अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो विल नॉट मेक इट अ बोरिंग सेशन। मैं बिफोर मेकिंग इट इंटरेक्टिव मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद विल डायरेक्टली गो टू क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं इस एग्जाम में, बुक्स वगैरह आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, एवरीथिंग इज देयर। क्या किताबें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, सब अवेलेबल है। जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं इस एग्जाम के, जो आप चेंजिंग पैटर्न के साथ आपको करने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो ये कि आपको गिव अप नहीं करना है इस एग्जाम में। इस एग्जामिनेशन का पैटर्न अब ऐसा बन गया है कि अगर आपको फेलियर्स आते हैं इस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यू हैव टू ओवरकम दोज और आपको आगे बढ़ना है नेक्स्ट अटेम्प्ट के साथ। सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एग्जामिनेशन की कि आपको हर किसी स्टेज की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं करनी है। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू है, आपको साइलोज में नहीं करना है, एक साथ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस होल एग्जामिनेशन। ये कुछ चीज़ें हैं क्योंकि आई हैव नोन मेनी पीपल जो काफ़ी पढ़ते थे जब मेरे साथ दिल्ली में थे वगैरह वगैरह, तो वो क्या करते थे जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता था तो अगले साल फिर से प्रीलिम्स पे सिर्फ फोकस करते थे, तो पूरे साल, एक साल का गैप वो पूरा प्रीलिम्स में इन्वेस्ट कर देते थे। तो वो एक गलत स्ट्रैटेजी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डोंट है जो आपको नहीं करना है इस एग्जामिनेशन में। आपको प्रीलिम्स और मेंस एक साथ चलाना है, और क्योंकि आप प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो गया है, आज आप 2023 का पेपर देखो कन्वेंशनल बुक्स से, देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम कन्वेंशनल बुक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक्स तो डेफिनेटली आपको स्ट्रांग करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटी इकोनॉमी के बेसिक्स, यू शुड नो दोज बेसिक्स, बट मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर मस्ट है इस एग्जामिनेशन के लिए। कंप्लीट न्यूज़पेपर, नॉट ओनली दैट, नॉन पॉलिटिकल पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट, इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछा जाता है वो। तो अगर आप 2 घंटे नॉर्मली न्यूज़पेपर को देते हो तो दैट इज मोर देन एनफ हर दिन, लेकिन न्यूज़पेपर इज नेसेसरी। सेकेंड, आपको मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन साथ साथ चलानी है, क्योंकि प्रीलिम्स में अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आपकी मेंस की एनालिटिकल नॉलेज अच्छी होगी तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस एग्जामिनेशन का है आंसर राइटिंग। मैं क्या करता था कि हम ग्रुप बनाते थे फ्रेंड्स का, दिल्ली में रहता था, तो हम क्या करते थे, हम टॉपर्स की कॉपी उतारते थे, वी यूज्ड टू डाउनलोड दैट, और हम डायरेक्ट आंसर लिखते थे, फिर हम कंपेयर करते थे टॉपर्स के साथ कि हमने कैसा लिखा है, कैसे इंप्रूव करना है। वो टॉपर्स के नोट्स तो डेफिनेटली, मतलब आपको करने ही करने हैं टॉपर्स के नोट्स फॉलो। मैं अपने फील्ड का बताऊंगा, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, देर आर मेनी टॉपर्स, उत्कर्ष द्विवेदी से मैंने काफ़ी हेल्प ली थी, क्योंकि मैंने जब इस एग्जामिनेशन में स्टार्ट किया था, अपनी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मेरा कुछ बैकग्राउंड नहीं था, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, आई हैड नो नॉलेज, मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ भी नहीं पता था मुझे, कुछ भी नहीं। बट धीरे धीरे टॉपर्स से मिलते गए, ऐसा भी टाइम आया कि कुछ लोग ऐसे थे मेरे साथ, जब आंसर लिखते थे वो तो डरते थे दिखाने से किसी और को, ये सोचते थे कि शायद सोचेगा कि क्या कैसा लिख रहा हूँ मैं, तो बट वो चीज़ आपको नहीं करनी है। हम कंटिन्यूसली अपने आंसर्स इवेलुएट कराते थे, मेरा फ्रेंड मनान था, हम दिल्ली में एक साथ थे, तो कंटिन्यूस, इनफैक्ट हमारे लास्ट मेन्स में भी जब हमने UPSC का दिया था, तो तब हमारा 3rd अटेम्प्ट था UPSC मेन्स का, तो उस टाइम पे भी हम जो टॉपर्स थे उनको अपने आंसर्स दिखाते थे कि शायद ही वो और कोई फीडबैक दे दे और हम इम्प्रूव कर ले उस फीडबैक के साथ। तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप इस एग्जामिनेशन की जर्नी में घुस जाते हो, आपका बेसिक बुक्स कवर हो जाती है, आप मेंस की स्टडीज कंटिन्यू कर लो उसके साथ। और प्रीलिम्स के लिए एक चीज़, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा सा ट्रिकी है, प्रीलिम्स के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यू हैव टू डू इट। इनफैक्ट अगर पेपर के ट्रेंड फिर भी चेंज हो रहे हैं, बट स्टिल अभी भी पिछले 2023 में देयर आर सम क्वेश्चंस, अगर आप 1990 से लेके, आई डिड इट बिफोर 1990 से, पहले भी मैंने 1979 से पेपर सॉल्व किए हैं टिल 2020, तो अगर आप 1990 के बाद भी पेपर सॉल्व करते हो तो There are still 10-15 questions जो पिछले साल के डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं या ऑप्शन में रिपीट हो रहे हैं, तो prelims के लिए वो बहुत 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 necessary है कि आप past year question करो। आप mock test देने की उतनी जरूरत नहीं है prelims की, mains की है, you have to write mains test series, prelims की अब जरूरत नहीं है क्योंकि pattern बिल्कुल change हो गया है, directly questions नहीं आ रहे, कोचिंग सेंटर्स प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगा कि पास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व करो। अगर आप लोगों के पास नहीं है, मेरे पास 1979 से लेके 2022 तक के पेपर्स है, मैं तहलील सर के साथ शेयर करके वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे आपके साथ वो पेपर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेस्ट मुझे लगता है कि बेटर होगा कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन हम इंटरेक्टिव बनाएं, क्योंकि दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। तो आप एक एक करके किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। पूछे सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि
हमें दोनों एग्जाम्स मेंस और प्री दोनों का ही हमें प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करना है. माय क्वेश्चन इज हाउ डू वी व्हाट डू वी हैव टू एग्जैक्टली डू टू कैटर टू द नीड्स ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. देखो पहली चीज तो ये है इनिशियल, जैसे आप सपोज यू आर जॉइन टुडे आओ तो पहले दिन से ही तो मेंस आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पॉलिटी भी नहीं पढ़ा है, इकोनॉमी भी नहीं पढ़ा है. बट मुझे लगता है कि 3-4 महीने जब आप वन रीडिंग करते हो ना बेसिक बुक्स की, हिस्ट्री की, पॉलिटी, इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स पार्ट, उसके बाद 3 महीने बाद आप मेंस का सिलेबस डाउनलोड करोगे. आप मेंस का सिलेबस शुड बी एट योर टिप्स. अभी भी मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल देखता हूँ तो मुझे पता होता है कि ये किस सब्जेक्ट में किस पार्ट से ये टॉपिक रिलेटेड है. उसके बाद आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वो आप सामने रखेंगे. तो उसके बाद आप क्या करोगे, वो लाइन बाय लाइन सिलेबस, आप अगर आपने GS1 स्टार्ट किया है पहले तो लाइन बाय लाइन आप वो टॉपिक्स सर्च करते जाओगे. काफ़ी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, मीन्स 365 आता है, लेवल अप IAS के नोट्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको मार्केट में मीन्स के रिगार्डिंग. राउज IAS की बुकलेट्स आती है, हर किसी की, सोसाइटी की अलग बुकलेट आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की अलग बुकलेट आती है, वो सिलेबस वाइज ही होती है. तो उसके बाद वो बुक खरीद के आप डायरेक्टली वो सिलेबस पॉइंट्स में अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स में, जैसा भी आपको होगा. मैंने सिर्फ एग्जांपल्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एनालिसिस पार्ट मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था. एनालिसिस में मेरे पास बुक्स वगैरह होते थे तो, बट एग्जाम्पल्स के लिए आप अलग अलग साइड से नोट्स बना सकते हो. तो ऑब्वियसली बात है आप पहले पहले जब स्टार्ट करोगे तो बहुत मुश्किल होगा. मैंने जब पहले बार आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी तो 4.5 घंटे में 12 क्वेश्चन लिखता था ऑनली. तो समहाउ उसी तरीके से अपने आंसर्स भी लिखने हैं. वो कैसे हो जाएगा, अगेन जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, करते जाओगे करते जाओगे, तो उतना आपका ऑप्शनल भी इम्प्रूव होता जाएगा. और भाई हाँ जी सर बताइए. क्वेश्चन रिपीट करो क्या आया था. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ ठीक है, देखो छोड़ना तो नहीं है. पहली बात क्या होता है कि जब आप कम आंसर राइटिंग की होती है तो आप वो क्वेश्चन छोड़ देते हो. आंसर राइटिंग क्यों करते हैं, बेसिकली हम आंसर राइटिंग का मोटिव यही होता है कि जब आपके पास जो आपने पढ़ा है डेफिनेटली वो क्वेश्चन तो आने नहीं वाला है एग्जाम में. तो जब आप आंसर राइटिंग करते हो, जरूरी नहीं है टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन करना. मैं और मेरा जो दोस्त था, हम घर पे खुद से पेपर सॉल्व करते थे. हर बार हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी स्टार्ट में, इनिशियल डेज में भी ज्वाइन टेस्ट सीरीज. हम क्या करते थे, हम 5 daily 4 questions we used to solve, GS1 में एक, GS2 में एक, GS3 में एक और GS4 में एक. तो उससे क्या होता था कि जैसे आपके पास अब कोई ट्रिकी क्वेश्चन आया, हमने नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करते थे, हम फिर भी आंसर लिख लेते थे जस्ट टू सी कि हम कैसा लिख रहे हैं. फिर उसके बाद हम एनालाइज कर रहे थे कि हम ठीक लिख रहे हैं या नहीं आवा. तो उसके बाद धीरे धीरे वो प्रैक्टिस आती गई कि अनयूजुअल क्वेश्चन भी जो आते हैं वो छोड़ने नहीं है. अब जैसे आपने वो इंटेंजिबल वाले क्वेश्चन बोला था, तो आप क्या करते हैं क्वेश्चंस में, मेंस का क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप ब्रेक करके करो क्वेश्चन को. आपको कलेक्टिव पूछा है, कलेक्टिव मींस के राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू प्री इंडिपेंडेंस आप लिख सकते हो. इंटेंजिबल मींस जो आप टच नहीं कर सकते हो, तो सपोज गांधी का भी आप लिख सकते हो, सत्याग्रह वगैरह, वो भी तो इंटेंजिबल है, अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं. नॉन वायलेंस है, कलेक्टिव मेमोरी है हमारी. म्यूजिक लिख सकते हो, फोक आर्ट लिख सकते हो, ठीक है. तो डेफिनेटली ठीक है, फर्स्ट टाइमर के लिए डिफिकल्ट होगा, बट आप ब्रेक करके कर सकते हो. कलेक्टिव मेमोरी प्री इंडिपेंडेंस से लेके इंटेंजिबल को क्लब करके आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो. और अगर आप 1.5 पेज का भी इसको आंसर लिखोगे तो यू विल गेट द मार्क्स. हाँ कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे UPSC में आया था ब्लू LED करके एक क्वेश्चन आया था, वो किसी को कुछ नहीं पता थी. तो बेटर है कि वो क्वेश्चन आप छोड़ दो, वो टाइम आप किसी और में इन्वेस्ट कर दो, बट यू डोंट हैव टू लीव एवरी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. और कोई क्वेश्चन? रिवीजन. तो रिवीजन तो आपको डेफिनेटली करना है इस एग्जामिनेशन में. अगर इस बार एग्जाम लिख रहा हूँ, सपोज अगर मैं प्रीलिम्स परसों दे रहा होता, अगर मैं रिवाइज करके नहीं जाऊं, मे बी शायद मैं भी क्वालिफाई ना कर लूं. तो रिवीजन तो करना है. रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी है कि आप किसी दोस्त के साथ, अगर आपका कोई, और एक चीज मैं जो मैं डूज में बताना चाहता हूँ, वो आपके आंसर को भी आंसर करे, क्वेश्चन को भी आंसर करेगा, वो ये है कि अगर आप एक पार्टनर ढूंढते हो ना, इट विल बी मोर बेटर. क्योंकि क्या होता है कभी कभी, मतलब मेरे ग्रुप में जो लड़के थे, जब हम प्रीलिम्स का फर्स्ट ईयर हमारा प्रीलिम्स था, तो हम 9 बजे प्रीलिम्स का टेस्ट लिखने जाते थे, 8 बजे सॉरी. तो कभी क्या होता था कि 6 बजे कभी मूड नहीं होता था नींद से उठने का, तो अगर आपका कोई पार्टनर होगा वो आपको उठाएगा, भाई चलो एग्जाम देने जाते हैं, इधर ने जाते हैं. तो वो एक रिवीजन की भी अच्छी स्ट्रेटेजी है. सपोज आपको, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ाई आज,
यू फिनिश तो वो लक्ष्मी का। अब उसके बाद आपने दूसरा उठाया कोई सब्जेक्ट, आपने हिस्ट्री उठाया, तो क्या करो खाना खाने के बाद, सोने के बाद? हम क्या करते थे, मैं और मेरा दोस्त, एवरी डे हमने ज्योग्राफी कभी पढ़ा नहीं, हम जब भी सोने जाते थे ना, सपोज 2 बजे हम सोते थे, तो 1:45 पे ना मैप खोलते थे, चलो आज नॉर्थ अमेरिका का मैप देखते हैं, आज साउथ अमेरिका का मैप देखते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें करके आपका एक हर कोई सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। सपोज प्रेसिडेंट भूल गया, सोने से पहले प्रेसिडेंट देखते हैं थोड़ा सा, उतना भी आई एम नॉट गिविंग यू सो मच स्ट्रेस के, सिर्फ 5 घंटे शाम को सोने के वक्त आप ये कर सकते हो। क्योंकि सोने के वक्त वैसे भी आजकल हम सब मोबाइल चलाते हैं, 10-15 मिनट यूज़ करो, मैं भी करता था, बट कम टाइम के लिए 10-15 मिनट किसी सब्जेक्ट को दो, कुछ भूल रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, वो रिवाइज कर लो। कोई सैटरडे आ रहा है, संडे आ रहा है, ऑफ है पूरा, वो उस दिन रिवाइज कर लो। कुछ डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ टाइम रखो हर किसी सब्जेक्ट के लिए, उसी हिसाब से आप रिविजन करो। और क्या होता है कि देखो मेरी स्ट्रैटेजी अलग है, किसी और टॉपर की स्ट्रैटेजी अलग होगी। आप कुछ कुछ चीजें किसी किसी टॉपर की उठा सकते हो, बट अल्टीमेटली आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी आपकी अपनी होगी, आप कैसे रिवाइज करोगे। हाँ, बट रिविजन इज इंपॉर्टेंट, रिविजन के बगैर देयर इज नो वे यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। शाम को एग्जाम से पहले, मतलब जब यूपीएससी का एग्जाम होता था, 12 से 12 बजे एक पेपर खत्म होता था, फिर 2 बजे दूसरा होता था, तो हम 12 से 2 बजे तक भी रिवाइज करते थे, मैं और मेरा दोस्त। हम लाइटली नहीं ले रहे थे एग्जाम को, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप आता है ना, वो बहुत बहुत यूजफुल टाइम है। उसमें आप कंप्लीट जो प्रीलिम्स का स्टेज है 1 ईयर, उसमें आप लेजर टाइम कर सकते हो, 5-6 घंटे काफी है पढ़ने के लिए उसके लिए। बट जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप आता है ना 2 महीने का, उसमें यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड। आपको ऑप्शन के नोट्स भी बनाने हैं, आपको अपडेट करना है ऑप्शनल। और क्या होता है ऑप्शन में, मैंने क्या ऑप्शन में एक चीज की थी, मैंने इंट्रो और कंक्लूजन बना के रखा था। जब आप अटेम्प्ट देते देते रहोगे और क्वालिफाई नहीं होता है, फिर इंसान सोचता है कि और क्या एक्स्ट्रा करेगा, तो मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले ही तैयार करके रखा था। जीएस में नहीं, जीएस में सिर्फ मैंने इंट्रो तैयार किया था, कंक्लूजन में वहीं पे बना देता था, बट ऑप्शन में मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तैयार करके रखा था फॉर यूपीएससी। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर। देखो इसमें भी डाउट्स है लोगों के, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। मैंने पर्सनली नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं, इससे क्या होता है ना कि अननेसेसरी टाइम जाया हो जाता है। अब आपके पास मार्केट में सब अवेलेबल है, तो क्यों ही दोबारा से फिर से नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करना। अब बट कुछ लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर एवरीवन, कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको अपने हाथ की राइटिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं देन रीडिंग फ्रॉम द बुक। वो क्या करते हैं, वो हर किसी टॉपिक का, सपोज प्रेसिडेंट का टॉपिक आ गया, तो प्रेसिडेंट के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्लब कर दिए एक जगह, और प्रेसिडेंट का जो चैप्टर लक्ष्मीकांत पे 3 पेज पे था, वो 75 लाइन्स में आ गया, हाफ पेज पे आ गया। और नोट बनाना भी आना चाहिए। आप सपोज ऐसा नहीं है कि आपने नोट, मैंने जैसे ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स बनाए थे पहले बिफोर उत्कर्ष द्विवेदी, तो शुभरांजन के नोट्स करीब 1500 पेजों पे है, 1500 पेजेस पे उसके नोट्स है। मैंने 120 पेजेस पे सब ऑप्शनल कंपाइल कर दिया था, तो उस हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप एग्जाम से पहले जब जाओ तो उसको अच्छे से क्लब कर पाओ। मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एग्जाम्पल्स के लिए तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने। हम क्या करते थे, मैं और मेरा दोस्त, जब एग्जाम होता था मेन से पहले, तो हमारी एक छोटी सी कॉपी होती थी, उस पर हमने GS1, GS2, GS3, GS4 की एग्जाम्पल्स लिखी होती थी। तो एग्जाम में अंदर जाने से पहले हम जस्ट आधे घंटे में वो सब रिवाइज कर देते थे। बाकी एनालिसिस का जो पार्ट था वो हमने कभी नोट नहीं बनाई, जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं बुक्स से हमने पढ़ा। वो आप पे डिपेंडेंट है कि आपको कैसे बेटर लगता है। पर्सनली मैं और मेरे दोस्त ने कभी नोट्स नहीं बनाए पूरे टॉपिक के, प्रीलिम्स के लिए तो कभी नहीं बनाए, क्योंकि अननेसेसरी टाइम जाया हो जाता है। न्यूज़पेपर के भी नहीं बनाए खासकर नोट्स, खाली जो मेरे को न्यूज़पेपर में अपने ऑप्शनल के लिए रेलेवेंट लगता था वो मैं ऑप्शन में लिख देता था। और न्यूज़पेपर ऐसा है ना कि न्यूज़ कंटिन्यूसली रिपीट होती जाती है। सपोज मणिपुर इशू कब से चल रहा है, 1.5 महीने 2 महीने से चल रहा है, तो फिर वो दिमाग में बैठ जाता है, आपकी न्यूज़ बैठ गई। कल को एग्जाम्पल में आपको इंटरनल सिक्योरिटी में एग्जाम्पल लिखनी पड़ेगी, तो आपको मणिपुर वायलेंस खुद ब खुद याद आ जाएगा अगर आपने नोट बनाए भी नहीं है। और वो एग्जाम्पल वैसे भी किसी नोट कोचिंग सेंटर ने डाली होगी अपने नोट्स में। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप नोट्स बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, बट ऑप्शनल के लिए यू हैव टू मेक नोट्स। हाँ जी सर। मैं समझा नहीं, फिर से क्वेश्चन बताओ। हाँ जी, हाँ हाँ, तो मैंने देखा जो GS1 है ना,
उसका सिलेबस उससे मैच खाता है नहीं, लेकिन जो उसका ऑप्शन है ना जैसे ज्योग्राफी, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। मेरा जो फ्रेंड है उसका ज्योग्राफी ऑप्शन, तो वो क्या करता है उसका ऑप्शन है ना वो 20 आउट ऑफ 18-19 कर देता है। उसने दे दिया है दो बार निकाला है वो। कल को मैंने उसके साथ बात उसने कहा मैं इस बार फिर निकालूंगा क्योंकि मेरे पास ज्योग्राफी ऐसा ऑप्शन वो शायद उसका पॉइजन पड़ा है तो उसको आसानी से फ्री हो जाए। देखो ये एग्जाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आज ज्योग्राफी में से 20 क्वेश्चन आए, मे बी अगले साल नहीं आए ज्योग्राफी में से 20 क्वेश्चन। एक प्रीलिम्स की सिंपल स्ट्रेटजी होती है, आप पहले क्या करते हो प्रीवियस ईयर पेपर सब सॉल्व कर दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। अगर पेपर का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, अगर आप मुझे 2023 का पेपर भी दिखाओगे ना, आई स्टिल शो यू 7-8 क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हुए हैं, ठीक है, और 7-8 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फंस जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको फिर एक स्ट्रैटेजी बोली, देखिए ऑप्शनल होना हमेशा एक प्लस एडवांटेज नहीं है। लास्ट ईयर भी जब मैंने केएस दिया था तो मेरी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई थी, मेरे सबसे कम मार्क्स GS2 पेपर में थे जो कि पूरा IR का पेपर आया था और मेरा पूरा ऑप्शन ही पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। तो जब मैंने क्वालिफाई नहीं किया तो मैं दोस्त के साथ बैठ के मैंने सोचा कि शायद मैंने थोड़ी सी टेंडेंसी गई, मैंने ऑप्शन के आंसर्स लिख दिए वहां पे। तो हमेशा ऑप्शन एक प्लस एडवांटेज नहीं होता है, आपको GS पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से भी ज्योग्राफी प्रिपेयर करना है अपने GS1 के आंसर्स लिखने के लिए। ज्योग्राफी की एक सिंपल ट्रिक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जो पार्ट वन का पेपर 11th की ज्योग्राफी जो आती है ना NCERT, उसके साथ जितने भी टॉपिक्स उसमें है बाय कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। साइक्लोन्स के बारे में यू शुड हैव कंसेप्ट, पढ़ना नहीं है साइक्लोन्स के बारे में, आपको पता होनी चाहिए साइक्लोन्स कैसे बनते हैं क्या होता है, सब कुछ होना चाहिए। ज्योग्राफी का एक मुश्किल स्टेज जो है वो मैपिंग है, मैपिंग बहुत डिफिकल्ट है। इस बार कोबाल्ट माइंस पूछा था कहाँ पे है या कूप कहाँ पे चल रहा है, वो आप कैसे करोगे ना, उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है कि हम क्या करते थे जब भी सोते थे ना एवरी डे, मतलब सपोज प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने जनवरी से स्टार्ट किया, जनवरी से लेके जून तक कितने महीने हैं, 4-5 महीने आ जाते, हर दिन शाम को कुछ नहीं करना है, इवन 5 मिनट्स आप नॉर्थ अमेरिका खोलो, पॉलिटिकल मैप खोलो नॉर्थ अमेरिका का, एक दिन देखो कि कौन कौन सी कंट्रीज है, बेलीज ये कहाँ पे कौन कौन सी कंट्री टच करी, इट विल टेक यू हार्डली 5 मिनट्स करना है। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने भी किया है, कभी कभी किसी को एडवाइस देते हैं फिर वो करते नहीं है वो सब, क्योंकि उनको लगता है कि शायद नहीं है ऐसा। ओनली विल टेक यू 5 मिनट्स, नॉर्थ अमेरिका का मैप खोला 5 मिनट देखा, साउथ अमेरिका का मैप खोला 5 मिनट देखा, पॉलिटिकल ऐसे ही, मतलब 5 महीने में आप कितनी बार मैप देखोगे, बहुत बार। इनफैक्ट मतलब आप घर पे लगा के भी रखोगे मैप तो वो भी कर सकते हो, बेटर है कि सोने से पहले जस्ट 5 मिनट दोस्त के साथ डिस्कस किया भाई ये यहाँ पे साउथ अमेरिका में ये कंट्री, इट विल ऑलरेडी टेक 5 मिनट्स नॉट मोर देन दैट। अगर 5 मिनट से ज्यादा लगता है कोई बात नहीं, फिनिश कर लो फोन चलाओ सो जाओ, अगले दिन फिर 5 मिनट दे दो। तो ये ज्योग्राफी में सबसे ट्रिकी पार्ट इज मैपिंग, उसका मैंने आपको बता दिया। बाकी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं कैसे क्या होता है, ड्यू फॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, वो आप किसी भी यूट्यूब या चैनल से मिल जाएगा, या अगर आप यहीं पे कोचिंग करते हैं तो यहीं पे जो ज्योग्राफी टीचर होगा वो आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा देगा। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं बताता हूँ आपको, मैंने जब जॉब छोड़ा था, मैं बीटेक के बाद जॉब कर रहा था, मैं और मेरे दोस्त ने एक साथ जॉब छोड़ा, मनान इज ऑलरेडी IPS ऑफिसर, ठीक है। तो हम गए, हम थोड़ा सा लेट पहुंचे दिल्ली, हमने अगस्त में ज्वाइन किया, हमारा कंपनी का नोटिस पीरियड चल रहा था तो हमने ज्वाइन किया। तो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे मनान और मैं, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि एक महीने बाद वो मुझे बोलता है कि हमने गलती की शायद जॉब छोड़ के, हमें यार कैसे याद हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स 27 राइट टू फ्रीडम ऑफ, कैसे ये तो इम्पॉसिबल है ये याद करना। तो ऐसा भी टाइम आया एक महीने बाद हमने सोचा कि गिव इट अप, ये नहीं हो जाएगा हमसे, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, 4 साल जॉब किया है, नहीं हो जाएगा अब हमसे। बट फिर कुछ जो दोस्त हैं हमारे फ्रेंड सर्कल के कॉलेज के जिनने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल है हर किसी एस्पिरेंट के लिए, तो ये दिस इज नॉर्मल। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे फंडामेंटल राइट भी नहीं याद थे, धीरे धीरे करके फिर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? हाँ मैं बता दूं, तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर चूजिंग एन ऑप्शन।
अभी तक क्या कुछ लोग करते हैं, वो टॉपर्स के साथ बात करके बोलते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट स्कोरिंग है, तो उस बेसिस पे आप ऑप्शन चूज करते हो। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता नहीं है, वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या होता है कि हम टॉपर्स से बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन स्कोरिंग है, किसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, किसके जीएस के साथ अच्छे लिंक्स है। अब कुछ टॉपिक होता है, सपोज आपको किसी ने साइकोलॉजी बता दिया, सपोज से अब आपने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा तो बुक्स वगैरह देखोगे टॉपर्स की स्टार्ट, अगर आपको लगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो विल नॉट ऑप्ट साइकोलॉजी। अब कुछ ऑप्शंस है जो अच्छे स्कोरिंग भी है और जिनका जीएस के साथ भी सिलेबस ओवरलैप करता है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा आप कौन सा ऑप्शन लोगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे ना, सपोज आपने उर्दू ले लिया, तो यू हैव टू गिव योर 100% टू दैट ऑप्शन। आपको टॉपर्स के नोट देखने हैं, आपको देखना है यूपीएससी में कौन सा एस्पिरेंट है जिसने 300+ स्कोर किया था इस ऑप्शन में, उसकी स्ट्रेटजी देखनी है। यू कैन टेक्स्ट हिम, ट्विटर पे तो आजकल हल कोई है, यू कैन टेक्स्ट हिम, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, तहलील सर है, ही नोज मेनी आईएएस ऑफिसर्स, तो इनफैक्ट मेरी भी पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स इंप्रूव हो गए थे फाइनली, मैंने तहलील सर को बोला था कि मेरे ऑप्शनल में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो इनने एक आईएएस ऑफिसर का नंबर दिया था मुझे, तो उन्होंने पर्टिकुलरली एक मुझे स्ट्रेटजी सिखाई, आई विल टीच यू दैट जब आप मेंस के स्टेज पे पहुंचोगे, तो उन्होंने मुझे एक स्ट्रेटजी सिखाई थी ऑप्शनल में, बहुत यूजफुल थी मेरी। इनफैक्ट अगर मैं और 5 साल भी कोचिंग कर लेता, मुझे वो स्ट्रेटजी कभी पता नहीं चल जाती, बिकॉज वो टॉपर ने खुद से सीखी थी और खुद अप्लाई की थी। तो वही आपको भी करना है, आप कोई भी ऑप्शन चूज करो उर्दू। अब जेकेपीएससी में अभी इससे पहले बोल रहे थे कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट इज ट्रू, इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट इन जेकेपीएससी, बट इस साल मुझे लग रहा है कि थोड़े वैरिड ऑप्शन से सिलेक्शन हो गई है। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, गिव यूर 100% टू दैट ऑप्शन, आई एम श्योर कि यू मेक इट थ्रू दैट ऑप्शन। सो बट देयर इज अ नोशन दैट सम सब्जेक्ट्स आर स्कोरिंग स्कोरिंग, दैट इज वॉट आई एम सेइंग, वो आपको टॉपर बताएगा। आप एनालिसिस देखो, जैसे यूपीएससी में बोलते हैं कि ज्योग्राफी उतना अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे ही जेकेपीएससी में बोल रहे थे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस उतने अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स नहीं है। बट मैं बोल रहा हूँ ये मिथ इस बार नहीं, देखने को जो इस साल का लिस्ट आया है ना, आया जितने को मैंने देखा अभी तक, मेरा मेडिकल हुआ था, आई एम एट 20-30 पीपल, तो वेरीड ऑप्शन से मुझे मिले, फिलोसफी भी मिला, हिस्ट्री भी मिला, साइकोलॉजी भी मिला, उर्दू भी मिला। अभी ये भी आपको बताएंगे इनके ऑप्शन क्या है, आई एम श्योर इनके भी अलग अलग ऑप्शन होंगे सब क्या। तो अगर आपका किसी में इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट गो विद योर इंस्टिंक्ट, आपको टॉपर बोलता है ये ऑप्शन ठीक है, आपने देखा कि मेरे रैंक 4 है, मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज किया था, तो मेहनत करके ही मैंने ये ऑप्शन में मार्क्स लाए थे। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हो तो गिव योर 100% टू इट, आप टॉपर्स से बात करो, यूपीएससी के टॉपर्स से बात करो, मिल जाते हैं कॉन्टैक्ट्स, अगर आप पूछोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर मैंने शायद तब तहलील सर के पास नहीं आया होता, मैंने इनको नहीं पूछा होता था ऑप्शनल के बारे में, मे बी मेरा मैं इस साल यहाँ पे नहीं होता। तो शर्माना नहीं है, डोंट हैव टू फील अशेम कि मैं अच्छे आंसर्स नहीं लिख रहा हूँ। मैं अगर आपको 2019 के, मैं आई हैव केप्ट दोज पेपर्स विद मी, मनाना, मैंने अगर मैं आपको 2020 के, जब हमने स्टार्ट की थी ये प्रिपरेशन, अगर मैं आपको तब के आंसर्स दिखाऊंगा और अब के आंसर्स दिखाऊंगा ना, तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। आपको यकीन नहीं हो जाएगा कि रैंक 4 ऐसे आंसर्स लिख रहा है, इतने गंदे आंसर्स भी कोई लिख सकता है। तो आप धीरे धीरे टॉपर्स के साथ बात करके इन स्टेप वाइज आप ये एग्जाम, आई थिंक 1 to 2 years में आप इज सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम टू क्वालिफाई। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर बताओ। हाँ, जब आपकी फर्स्ट और सेकंड, जब आपकी 2 readings हो जाएंगी ना प्रीलिम्स बुक्स की, आप तो आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अकेले बैठ के नहीं करने हैं, ठीक है, वो फिर कभी नहीं हो जाएगा। मैंने 1979 से लेकर 2022 के तक के पेपर्स किए हैं, बट कितने हम लोग, वी यूज टू सिक्स पीपल, और शर्माना नहीं है। मैं, मेरे ग्रुप में लड़कियां भी होती थी, ठीक है, मैं लड़कियों को, हम लोग लड़कियों को इसलिए ग्रुप में रखते थे ना कि वो थोड़ा वो कमांडिंग होती है, वो हम लड़के होते हैं 5 मिनट पढ़ा चलो बाहर तक घूम के आते हैं, ये करते हैं, तो लड़की जब साथ में होती है तो वो एक वो रोक के बनता है। तो यू शुड नॉट फील अशेम्ड, पढ़ाई है, लड़की लड़का एक साथ पढ़ सकता है, लाइब्रेरी जाओ, मेक ए ग्रुप ऑफ 5 to 6 people। आप 10 बजे तक, सपोज आपने नॉर्मल पढ़ रहे हो, तो 10 बजे से लेके 11:30 1.5 hour आप रखो, आज हम 1979 का पेपर सॉल्व करते हैं। और 1979 के पेपर्स में कुछ कुछ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते थे पहले, तो बहुत हैफेजेड क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो आप करोगे एक एक साल एक एक पेपर करते रहो, 1979 से 1990 तक यू नॉट टेक, उतना टाइम नहीं लगेगा, टाइम थोड़ा 2010 के बाद लगता है। तो बट स्टिल आई थिंक अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड इन्वेस्ट इन प्रीवियस ईयर पेपर। नहीं है पेपर्स, मेरे पास PDF है, आई विल शेयर विद तहलील सर, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। और कोई क्वेश्चन? वालेकुम सर, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू।
सर मेरा मेरा क्वेश्चन है कि मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कर ली तो मैं क्या तो मैं कहाँ से कर जाऊँ सर क्या थी क्या आप एनसीईआरटी पढ़ो फॉर्म सिक्स पर टू या बाकी क्या थी नहीं मानती ठीक है देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि हर कोई स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है हर किसी पर्सन के लिए। मैंने पर्टिकुलरली कभी सिक्स से लेके टेन तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है क्योंकि अब पेपर इवॉल्व हो रहा है बहुत, मतलब वो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो हार्डली आ रहे हैं। आपको बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए, वो धीरे धीरे आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करके भी हो जाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स एक्सट्रीमली वीक है, आपको मैं वही बोल रहा हूँ, देखो अभी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पहले इसमें इन्वेस्ट करो इतना, आई डोंट थिंक कि सिक्स से लेके टेन तक ये। हाँ देखो अगर आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि एनसीईआरटी, मेरे एक दोस्त है दिल्ली में, आप उनको कोई भी क्वेश्चन पूछो प्रीलिम्स में आया है वो पेज नंबर बताएगा, सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी पे राइट साइड पे यहाँ पे टॉपिक था। तो अगर आप पढ़ सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है एनसीईआरटी एंड द बाइबल। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बताओ अच्छे से। अगर आप, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आप स्टार्ट करो, गो फॉर एनसीईआरटी। आप सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक जितनी भी एनसीईआरटीज है, देखो हर किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हिस्ट्री की काफी है, इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू रीड इकोनॉमी की ये एनसीईआरटी, सिर्फ आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी जरूरत आएगी। हिस्ट्री की आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, अब एनवायरनमेंट में क्या एनसीईआरटी पढ़ोगे सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की, नो नीड। एनवायरनमेंट डायनेमिक बेस्ड सब्जेक्ट है, आपको नहीं जरूरत है। आप एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री जिसमें आप सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की एनसीईआरटी सब पढ़ सकते हो। पॉलिटी में भी मुझे नहीं लगता है जरूरत है, लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशियंट टू क्वालिफाई विद दिस। हाँ हाँ ठीक है, देखो न्यूज़पेपर रीडिंग क्या है कि ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है, ऐसा नहीं है कि आप पांच घंटे न्यूज़पेपर के साथ दो। बट क्या होता है कि जैसे इंटरव्यू में मेरा रिसेंटली इंटरव्यू था तो बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए मुझे, उड़ीसा में कौन सी पार्टी है, पार्टी का हेड कौन है, महाराष्ट्र के यहाँ चीफ मिनिस्टर सॉरी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, उनकी पार्टी का नाम क्या है। तो क्या होता है कि हम मोस्टली ना पॉलिटिकल न्यूज इग्नोर करते हैं, तो आप हेडिंग पढ़ लो, सब पढ़ लो न्यूज़पेपर में, आपको कंटिन्यूस प्रिपरेशन रहेगी इंटरव्यू के लिए भी। आप नहीं नहीं नहीं, डोंट फोकस ऑन एडिटोरियल सेक्शन ओनली एंड डोंट मेक नोट्स ऑफ एडिटोरियल सेक्शंस आल्सो। हाँ तो आई एम सेइंग कि जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे ना, जस्ट सी कि वो कैसे लिखते हैं, एडिटोरियल कैसे लिखा जाता है, कैसे एग्जांपल्स देते हैं वो पॉइंट्स के साथ। कोई अच्छी एग्जांपल आपको लगी ना, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में एग्जांपल्स देके होंगे ना, वो आप किसी भी कोचिंग सेंटर की बुकलेट उठाओ ना, वो ऑलरेडी वहां पे देके है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई इशू जो कंटिन्यूस न्यूज में रह रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर था, कंटिन्यूस न्यूज में रह रहा है, कोई एक न्यूज आई छोटी सी मैटरनिटी हेल्थ पे, यू डोंट हैव टू मेक कंप्लीट अखबार का एडिटोरियल मैटरनिटी हेल्थ पे अलग से नोट बना दिया, ऑलरेडी कोचिंग सेंटर में अवेलेबल है उसके नोट्स। आप कोई कंटिन्यूस टॉपिक आता जाता है न्यूज में, वो आप करो, और जो बाकी पॉलिटिकल जो फ्रंट पेज पे पॉलिटिकल न्यूज है वहीं से आप एग्जाम्पल्स उठाते हो, यूजली पीपल स्किप दैट, वहीं से तो एग्जाम्पल्स आती है। लैंडस्लाइड आ गई अरुणाचल प्रदेश में, तो मेंस में क्वेश्चन आ गया लैंडस्लाइड पे, तो आपने पढ़ा है रिसेंटली से स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन में, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड आ गया, इतने डेथ्स हो गए। हाँ हाँ डेफिनेटली, इसलिए आपको न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल बोलना फर्स्ट पार्ट इग्नोर नहीं करना है, जस्ट डोंट फोकस ऑन एडिटोरियल सेक्शन ओनली, वहीं से एग्जाम्पल्स उठती है, एड्स की कैंपेन। हाँ नहीं नहीं जरूरी नहीं है, नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं 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 That is wastage of time. उसमें बहुत टाइम लगेगा आपका। अगर ऐसा कोई डेटा इम्पोर्टेंट से एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे कोई डेटा है तो वो आपको वन साइड में काम आएगा, कुछ फजूल का डेटा है वो छोड़ने दे, आफ्टर पेशेंट स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा पता खुद से कि कौन सा डेटा यूजफुल है कौन सा नहीं है, तो कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं नहीं बेटा देखो नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम से पूछो, कोई नो इशू आ रहा है, पूछ रहे हैं कोई बात नहीं। आप क्या करो बेटा, मेंस का जो सिलेबस है ना, मेंस का सिलेबस, ये सब करने से पहले मेंस का सिलेबस एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि आप अननेसेसरी डेटा उठाओगे जो मेंस के सिलेबस में होगा ही नहीं, तो फिर आपका अननेसेसरी टाइम जाया हो जाएगा, और वैसे भी इस एग्जाम में टाइम बहुत प्रेशियस होता है, तो आप अननेसेसरी डेटा उठाओगे। तो आप क्या करो इससे पहले जो आप ये कर रहे हो ना, इट्स गुड एक्सरसाइज, अगर आप करना चाहते हो आप पे कर रहे हो करो, लेकिन पहले आपको मेंस का सिलेबस पता होनी चाहिए, तभी आपको जैसे इनने बोला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब हेल्थ हमारे सिलेबस में है तो आपको पता है कि ये डेटा मेरे काम का है, तो डेफिनेटली आप वो उठाओगे वहां से आप। बट बिफोर दैट आपको सिलेबस शुड बी बाय हार्ट, कुछ भी मतलब यू शुड टेक एटलीस्ट 10-15 डेज ऑफ रिविजन करो सिलेबस का, जैसे आप जीएस का बोल रहे थे ना अभी, वैसे ही सिलेबस का रिविजन भी करना है,
यू शुड हैव रिमेंबर हर कोई सिलेबस पॉइंट आपके टिप पे होना चाहिए। नहीं नहीं कोई टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ 2 साल है इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट। अगर अच्छी गाइडेंस होगी, यहाँ पे तहलीन सर है आपको, अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी ना 2 इयर्स 1.5 इयर्स 2 इयर्स एंड फोकस ऑन यूपीएससी, डोंट फोकस ऑन जेकेपीएससी सिर्फ। अब पैटर्न सिलेबस सेम है, जब आप यूपीएससी के लिए फोकस करोगे तो आप ज्यादा डीप चले जाओगे, तो फिर वो बेटर है इससे। तो 2 साल भी लगे 3 साल भी लगे, डू इट, कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह 3 साल बाद आप भी स्टेज पे होगे। हाँ ठीक है बिल्कुल। देखो इस प्रीलिम्स एग्जाम लोगों का इसीलिए क्वालिफाई नहीं हो जाता, क्योंकि वो उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा बन जाता है कि वो हर साल उसको बोलते हैं कि प्रीलिम्स नहीं हो जाएगा, प्रीलिम्स नहीं हो जाएगा। मैं बहुत लकी था इस मामले में, मैं और मेरा रूममेट जो था हम कंटिन्यूअसली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे थे, और हमेशा उन लोगों के साथ बैठ रहे थे ना जो हर साल बोलते थे कोई बात नहीं प्रीलिम्स तो हो जाएगा, मेंस देखते हैं कैसे करते। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो हमेशा, कोई आपको कुछ भी बोले ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर सम पीपल जो इस नेगेटिविटी की वजह से रुक जाते हैं कि प्रीलिम्स नहीं होता है, यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो, अगर ज्यादा कभी डिप्रेसिंग लगता है तो बाहर चले जाओ, मूवी देखने जाओ, यहाँ पे भी सिनेमा आया था तो मूवी देखने जाओ, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, मोबाइल चलाओ, जिससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, जो भी अपने अपने स्ट्रेस बूस्टर्स होते हैं हर किसी के, आपको जो ठीक लगता है अपने हिसाब से वो कर लो, आप अपने हिसाब से स्ट्रेस कम करने के लिए, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। बिगिनर आप 6-7 घंटे तो आप स्मार्ट वर्क करो, 6-7 घंटे हाँ इंशाल्लाह आप अगर इतना करते हो ना, मैं इतना भी नहीं करता था मैं और मेरा दोस्त। हाँ कॉफी पी लो, कॉफी पिया करो, जिससे भी बहुत सारी चीजें हैं, आप यूट्यूब पे देख लो स्ट्रेस बूस्टर्स कैसे होते हैं। मैं जब मुझे जब नींद चढ़ती थी मुझे जब नींद चढ़ती थी तो मैं ब्लैक कॉफी पीता था, आई यूज टू हैव ब्लैक कॉफी, मैं और मेरा दोस्त हम ब्लैक कॉफी पीते थे जब भी हमें नींद चढ़ती थी, और जब भी हमें कभी ये होता था डिप्रेसिंग या मूड खराब होता था हम लोकल वाइज जिम ज्वाइन कर लेते थे, 1-2 महीने के लिए हम कंटिन्यूसली वॉकिंग करते रहते थे वहां से, जिसकी वजह से सब बेटर लगेगा आपको धीरे धीरे। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक, हमारे घर में रोज था फैमिली खबरें, मैं उसका भी मुताला कर रहा था उसके जगह थोड़ी ज्यादा कमांड है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो भी कोई भी उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखो मैं खुद इन ठीक है, देखो मैं उर्दू ऑप्शनल से तो नहीं हूँ तो न्यूज़पेपर के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बट बुशरा एक एस्पिरेंट है रैंक 6, वो आई नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको उनके साथ बात करा सकता हूँ, वो आपको उर्दू में गाइड करेगी। कंसिडरिंग कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैंने बीटेक किया था, मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी आर्ट सब्जेक्ट के बारे में, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था धीरे धीरे। आप तो फिर भी थोड़ी सी नॉलेज है उर्दू के बारे में, आप बोल रहे हो कि आप कलेक्ट करते हो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मेरा पॉलिटिकल साइंस में कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं मुझे आंसर राइटिंग भी नहीं आती थी, कभी पॉलिटिकल साइंस की बुक भी नहीं देखी थी। आप तो फिर भी माशाल्लाह आपको उर्दू आता है तो आप डेफिनेटली जाओ उर्दू के साथ, देयर आर मेनी सिलेक्शंस, इस साल भी उर्दू से काफी सिलेक्शंस हो गई है, इंशाल्लाह आप मेरे साथ टच में रहो। बुशरा है, उनकी रैंक 6 आई है, आप उनके साथ टच में आ जाओ, वो आपको गाइड कर देंगे उर्दू में। हाँ उनका ऑप्शन उर्दू का। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप पूछे पूछे प्लीज डोंट। आप कल को फ्यूचर केएस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बनने आए हो, क्लासरूम नहीं है, स्कूल नहीं है यार। आप पूछे
नहीं 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 आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। मेरा एक दोस्त था तो उसका भी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, उनने इंटरव्यू पैनल को यहीं से बोला था कि मैं बाइलिंगुअली स्पीक करूंगा, कि इज इट अलाउड, तो उसको बोला था कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मेरा जो पिछले साल का इंटरव्यू था वो पूरे उर्दू में चला था, एक भी क्वेश्चन उन्होंने इंग्लिश में नहीं पूछा, इस साल कंप्लीट इंग्लिश में चला। बट यू कैन आस्क देम, जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे तो आप यहीं से रिक्वेस्ट उनको करोगे, क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस चार है, आप किसी भी चार लैंग्वेजेस में इंटरव्यू दे सकते हैं। आप उनको बोलो कि मैं इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, उसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन न्यूज़पेपर के रिलेटेड है। न्यूज़पेपर में हमें वहां से जैसे स्टडी आई क्यू है, हिंदूज है, उनकी सीरीज भी आती है, इंडियन एक्सप्रेस की भी आती है, हिंदू की भी आती है, बायजूस से आती है, तो उसके बारे में आप बताइए। हम वो वीडियोस देखे कि हम खुद पढ़ा करें न्यूज़पेपर, क्योंकि वीडियोस में ऐसा लगता है कि वो अपना परसेप्शन हमें प्रेजेंट करते हैं, हम अपना डेवलप नहीं कर पाते, उसके बारे में बता दीजिए। एक्चुअली क्या है कि बेटर रहेगा अगर आप न्यूज़पेपर खुद ही पढ़ो, क्योंकि वो क्या है ना कि वो आपके लिए एनालिसिस करके देते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर का जो मेन पॉइंट ऑफ यूटिलाइज आपको करना है कि द वे दे राइट आर्टिकल, जैसे सिराज अहमद लिखते हैं उसका राइटिंग स्टाइल को यू हैव टू कॉपी, कंप्लीट ही नहीं हो पाता, वो इज अ स्कॉलर है, वो एटलीस्ट अगर आप 5% की कॉपी कर लेना कि वो कैसा लगता है लिखते हैं, तो वो 5% भी सफिशिएंट है। अगर आपको किसी दिन का न्यूज़पेपर मिस हो गया तो स्टडी आईक्यू बेटर है, स्टडी आईक्यू में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स से वो उठाते हैं, तो स्टडी आईक्यू से आप वो वीडियोज देख सकते हैं तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे, आप इनसे भी क्वेश्चन पूछिए, ये भी आपको गाइड कर लेंगे प्रॉपरली। ठीक है।